हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि आपके जो सैमसंग के मोबाइल में स्टोरेज में अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है अदर स्टोरेज, जिसमें बहुत सारी आपकी मेमोरी यूज होती है, उसको कैसे डिलीट करें या फिर उसको कैसे खाली करें। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के माई फाइल में। माई फाइल में जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एनालाइज स्टोरेज का, आपको दिख रहा होगा, आपको उसके अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप एनालाइज स्टोरेज में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको मेमोरी दिखा रहा है अदर में। यहाँ पर आपको अदर में मेमोरी दिखा रहा होगा, आप देख सकते हैं 19 GB की यहाँ पर मेमोरी दिखा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो रिसाइकिल बिन की मेमोरी है या फिर सिक्योर फोल्डर की मेमोरी आपको यहाँ दिखाता है, बट अब उसको नेक्स्ट अपडेट में उसको भी हटा दिया गया। सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन आपको अलग मिल जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं जैसे कि सिक्योर फोल्डर में कोई जो डाटा आपको अलग मिल रहा होगा, उसके बाद रिसाइकिल बिन में जो डेटा है वो अलग मेमोरी मिल रही है, ये अदर मेमोरी अलग होती है। मतलब कि बिल्कुल ही अदर जो फालतू की डेटा है वो यहाँ पर रहता है। तो इसको कैसे डिलीट करें, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो काम करना है वो मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, अगर आपने गैलरी में किसी एल्बम को कुछ एल्बम को आपने हिडन करके रखा है तो आपको सबसे पहले उस एल्बम को हिडन से हटा देना है, या फिर बोल सकते हैं उसको आपको अनहाइड कर लेना है। वो बहुत ज़रूरी है, आपको जो भी एल्बम को आपने करके रखा है उसको वहाँ से हटा देना है, उससे भी आपके अदर में जाके डिटेल वहाँ पर अपडेट होती है। तो सबसे पहला काम तो आपको वही करना है। उसके बाद जो सेकंड करना है दोस्तों, उसके लिए आपको जाना है वापस माय फाइल वाई ऐप में। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर करना है शो हिडन फाइल। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है ऑप्शन, आपको इसको ऑन कर लेना है, शो हिडन फाइल वाला, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद बाहर आएंगे और यहाँ पर जाएंगे अपनी इंटरनल स्टोरेज में, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे जो कि अलग से, मतलब हाईलाइट, जैसे ये नॉर्मल फोल्डर होते हैं ये अलग हाईलाइट हो रहे हैं, ये मतलब डार्क है, और जो हिडन फोल्डर होंगे वो लाइट रहते हैं और उसमें आगे स्टार्टिंग में डॉट लगा रहता है। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिडन फोल्डर्स हैं, डॉट बना हुआ है, जैसे डॉट फैस, डॉट डीसीएम, डॉट डीसीएम आपको दिख रहा होगा, इतने सारे आपको दिख रहे हैं। आपको इनको सबको डिलीट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डिलीट करा, आपने देखा था मेरा अदर 19 GB था, अब मैंने यहाँ पर दो तीन ये सब चीज़ें यहाँ पर डिलीट करी। जितने भी अदर हैं आपको, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको यहाँ से उसको डिलीट कर देना है। तो मैंने यहां से उनको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद मैं बाहर आऊंगा, एनालाइज स्टोरेज करूंगा, तो अब देखेंगे आप मेरी जो मेमोरी है वो कम हो गई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ अदर 4 GB आ गई, आपको दिख रहा होगा ये अदर में आपको 4 GB आ गया और रिसाइकिल बिन बढ़ गया है, क्योंकि मैंने जो डेटा डिलीट करा वो रिसाइकिल बिन में चला गया और अदर से वो हट गया है। मतलब कि जो आपकी हिडन फाइल्स होती हैं वो भी अदर में सेव होती है। और भी आपको फोल्डर से उसको डिलीट करना है, आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज में, आपको एक एक फोल्डर में चेक करना है कि कौन सी कोई सी कोई फोल्डर कोई हिडन फाइल तो नहीं है, तो आपको सबको डिलीट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप जाएंगे, मैं बता देता हूँ किस किस में ज़्यादा रहता है। ये पिक्चर्स वाला फोल्डर रहेगा तो आप देखेंगे उसमें एक थंबनेल नाम से आपको दिख रहा होगा नीचे, आपको इसको भी डिलीट करना है, आपको इसको भी डिलीट करना है। ऐसे ही यहाँ पर आप जाएंगे, बहुत सारे और फोल्डर्स मिलेंगे आपको, एक एक फोल्डर में देख लेना है। उसके बाद जो मेन जाना है आपको एंड्रॉयड वाले फोल्डर में जाना है। एंड्रॉयड वाले फोल्डर में जाने के बाद आपको जाना है या मीडिया में, मीडिया में जाने के बाद आपको जाना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद यहाँ पर भी आपको कोई मिल जाएगा, अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप के फोल्डर में जाएंगे, वहाँ आपको नीचे देखेंगे शेयर्ड वाला फोल्डर मिल रहा है, इतने सारे ये दिख रहे हैं, आपको सबको यहाँ से क्लिक करना है, सबको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये डिलीट कर देना है। उसके बाद आप मीडिया में जाएंगे, मीडिया में भी आपको नीचे मिल जाएंगे बहुत सारे फोल्डर्स फाइल्स मिल जाएंगी, आपको ये डिलीट कर देना है। उसके बाद और डेटाबेस में जाएंगे, मतलब आपको सब में देख लेना है, कोई और तो फाइल नहीं है, आपको एक एक फोल्डर में चेक कर लेना है। उसके बाद वहां से सबको डिलीट कर देना है, जितने भी हिडन फाइल्स होंगी आपको सबको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जब आप वापस आके अपने उसको फाइल को चेक करेंगे तो आप देखेंगे अब और भी कम हो गया होगा आपका डेटा एनालिस स्टोरेज, और भी कम हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 4.9 आ रहा था, अब 4.63 रह गया है। और जो डेटा है अदर वाला, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं अदर के अंदर, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप मोबाइल आपके जो ऐप्स होते हैं, ऐप्स का जो डेटा होता है वो भी अदर में आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ डेटा बेस होते हैं, लाइक जैसे आपका ये व्हाट्सअप का ही जो डेटा है, मैं जैसे वापस गया आपको व्हाट्सअप पे लेके जा रहा हूँ वापस,
आपने अभी देखा मेरा बार 4.3 दिखा रहा है, मैं वापस एंड्रॉइड पे गया, मीडिया पे गया, व्हाट्सएप पे गया, व्हाट्सएप पे गया और व्हाट्सएप डेटाबेस में गया। अगर मैं अब इसकी मेमोरी चेक करूं, आप देखेंगे इसकी मेमोरी डिटेल कितनी आ रही है, मैंने यहां पर डिटेल कंप्रेस करा 40 MB की आ रही है। अगर मैं इसको भी यहां से डिलीट करूंगा तो वो भी आपका डेटा वहां कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहां डिलीट ऑल करा, डिलीट ऑल करने के बाद मैंने वापस यहां माय फाइल में आया, वापस मैं माय फाइल में आऊंगा और उसको चेक करूंगा तो आप देखेंगे वहां पर और भी कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4.65 से और कम हो चुका है। तो ये ऐसे काम करता है दोस्तों, बहुत ही शानदार ऑप्शन है। आपको सिर्फ रिसाइकल बिन से आपको करना क्या है, आपको सिर्फ हिडन फाइलों को डिलीट करना है एक एक चुन के, उसके बाद आपकी अदर फाइलें कम हो जाएगी। मैक्सिमम 4 GB तो वो रहती है, 4 GB से कम नहीं होती। हो सकता है आपके मोबाइल में अगर आपने फॉर्मेट कर दिया तो 3 GB हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो ऑटोमेटिक क्रिएट होती हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते। बहुत लोग बताते हैं कि अलग सॉफ्टवेयर से करना चाहिए, बट हो सकता है उससे आपको मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सके जितनी भी बस काम की आपकी है हिडन फाइलों को ही डिलीट कर दीजिए थंबनेल नाम से। अगर आपको और हिडन फाइल देखना हो अपने मोबाइल में, आप यहां पर अब जाएंगे माय फाइल में, माय फाइल में जाने के बाद आपको यहां सर्च करना है डॉट लिख के। जैसे ही आप यहाँ पर डॉट लिख के सर्च करेंगे जितनी भी आपकी हिडन फाइल्स होंगी या आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने हिडन फाइल सर्च मार ली, आपको इसमें से लगता है कि यार इसमें से और कौन मेरी काम सी नहीं है, आपको उन सबको सिलेक्ट करना है और उन सबको वहां से डिलीट कर देना है तो और आपकी वहां पर मेमोरी खाली हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे तो यही लगा, मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। और भी बहुत सारे लोगों ने ट्रिक बताई है, बट उससे हो सकता है कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो, ये वाली इससे आपको आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उस वीडियो कुछ कमी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।